हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे जिन कंपनीज के बुरे दिन फिर से आ चुके हैं और उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनमें से कोई स्टॉक आपके पास में फंसा हुआ तो नहीं है जिसमें आप फंसे हुए हों, और उसमें आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी इस क्वार्टर में जो आई है उसको देखते हुए यहाँ पे किस तरीके का जो है आपको रुझान रखना चाहिए, किस तरीके से जो है आपको आगे जो है इनमें अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो मैं आपके सामने जो है रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपनी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज की जो है डिस्टरबेंस आती हुई दिखी है। एक तो आलोक इंडस्ट्री, दूसरा जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल। तो इन दोनों की अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर जो है पिछली साल कंपनी ने जो है एक प्रॉफिट पोस्ट किया था, एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट पोस्ट किया था। इस वाले क्वार्टर में आप देखेंगे तो उन्होंने लॉस पोस्ट किया है। जहां पे टेक्सटाइल की कंपनीज के अच्छे खासे जो है प्रॉफिट आ रहे हैं वहां पे आप देखेंगे तो इस कंपनी ने जो है लॉस पोस्ट किया है। उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू इस्पात की अगर बात करें तो इस कंपनी ने जो है पिछले साल जो है प्रॉफिट पोस्ट किया था और इस बार जो है इस कंपनी ने भी जो है लॉस पोस्ट किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों स्टॉक्स में ये जो गड़बड़ी जो देखने को मिल रही है, होपफुली आगे ऐसी गड़बड़ी ना आए, लेकिन फिलहाल के लिए तो क्या है कि इसने जो है एक मूड माहौल बिगाड़ा है। और जी कंपनियां जो है दोनों की दोनों इस वाली क्वार्टर में इन दोनों ने जो है लॉस पोस्ट किया है। जहां पे अदर इन्हीं के ही सेगमेंट की जिन कंपनीज के प्रॉफिट आ रहे हैं इनमें जो है लॉस आ रहा है इस वाले क्वार्टर के अंदर। तो बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की और यहाँ पे कि किस तरीके के जो है आपको आने वाले टाइम में एक परफॉर्मेंस, पहले इसके देख लेते हैं पैरामीटर्स, इसके देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। माइनस में है आप देखेंगे ईपीएस, एंड स्मॉल कैप कंपनी है ये, 1 की फेस वैल्यू है इसकी। एंड यहाँ पे अगर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो किस तरीके का जो है इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी मैं आपके सामने जो है रखता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि खासा इसका कोई एक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड होगा इस कंपनी का। और जिस हिसाब से जो है इसकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में जिस तरीके से बताई जा रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस कंपनी को जो है एक्वायर करने वाली है, और अभी तक हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखेंगे रेवेन्यू इसका, साल दर साल रेवेन्यू इसका काफी घट चुका है। प्रॉफिट तो इसका जो है 2019-2020 में ही रहा है, उस 3 साल जो है कंपनी लगातार घाटे में रही है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डेप्ट भी कंपनी के पास में एक अच्छी खासी डेप्ट भी है। क्वार्टर क्वार्टर अगर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी कुछ खास जो है परफॉर्मेंस इनकी जो है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे एफआईआईडीआई के पास में बहुत नॉमिनल सी होल्डिंग है, आरओई जो है 0 है इसकी, डेप्ट एक अच्छी खासी हो चुकी है इस स्टॉक के ऊपर एंड इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस के नाम पे देख सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही है इस कंपनी के अंदर। और अभी भी अगर देखेंगे ट्रेंड तो अभी भी ये अपने नेगेटिव ट्रेंड में ही स्टॉक जो है चल रहा है और बुलिश ट्रेंड में नहीं लौटा है। बुलिश ट्रेंड में इसको लौटने के लिए इस स्टॉक को करीब 68 रुपीज का ये जो प्राइस वैल्यू है इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर जो है निकल के सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो एक बेस जो है बना हुआ है इसका और वो करीब करीब बना हुआ है एक 18 रुपए के आसपास, 18-18.5 रुपए का अगर ये बेस अगर ये तोड़ता है इस वाली कैंडल का, ये वाली कैंडल जो बनी थी जो ग्रीन, इसका अगर ये बेस अगर ब्रेक करता, देख सकते हैं ये वाली ग्रीन कैंडल जो बनी थी, आगे वाली ये 3 महीने की कैंडल्स ने इसको कम्प्लीटली जो है ढक दिया और यहीं की अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये वाला अगर बेस अगर टूटता है तो यहाँ से आपको और इसमें डाउनफॉल फिर देखने को मिल सकता है। तो इसमें अलर्ट रहना बस इतना ही, अगर आपके पास में ये फंसा हुआ है स्टॉक अगर आपने ले रखा है तो 18.5 रुपए का इसमें जो है आप स्टॉप लॉस मान के चलें कि 18.5 के नीचे आना है तो फिर उसके बाद में आपको इसमें से मेरे हिसाब से एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर जब तक नहीं आता तो अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो आप इसमें जो है रुक सकते हैं, लेकिन कब तक रुकना होगा, कितना टाइम लगेगा आगे पता पड़ेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो है जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए प्रोग्राम्स के बारे में आप हमें कॉल करके या मेल करके उनके बारे में जो है पता कर सकते हैं और आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ईपीएस पॉजिटिव है, 3 के आसपास की ईपीएस है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है।
एंड यहाँ पे अगर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसका कुछ नहीं है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, बोनस भी कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो प्रॉफिट में है, और यहाँ पे रेवेन्यू जो है अच्छा खासा सस्टेन, अच्छा खासा जो है आ रहा है, ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू के लिहाज से। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार 4 साल जो है कंपनी लॉस में रही है। 2021 में जरूर इसने जो है प्रॉफिट दिखाया है। एंड डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी कंपनी के पास एक अच्छी खासी है, हालांकि बस इतना जरूर है कि 2020 से 2021 में डेप्ट जरूर कम होती हुई दिखी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस वाले क्वार्टर की देखेंगे तो अब लॉस में रही है। इस बार इसने जो है कंपनी ने लॉस जो है पोस्ट किया है। FIADI के पास में नॉमिनल सी होल्डिंग स्टॉक के अंदर जो है मौजूद है। प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को जो है घटा रहे हैं धीरे धीरे करके। ROE की बात करेंगे तो 25% के आसपास की ROE है जो आगे एडजस्ट होती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका भी जो है चार्ट पैटर्न बहुत ही खतरनाक जो है बना हुआ है। ये भी स्टॉक जो है अपने नेगेटिव टेरिटरी में ही जो है चल रहा है। इसके लिए जो बेस एक निकल के आ रहा है वो बेस निकल के आ रहा है करीब करीब 29 रुपीज का। 29 रुपीज का अगर ये बेस दोबारा से अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से स्टॉक में और नीचे के फिर जो है चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही स्टॉक्स में जो है, और आप देखेंगे इस स्टॉक में तो आप देख सकते हैं हर महीने में आप देखेंगे ये महीने की महीने दर महीने की कैंडल है। इसमें देखेंगे तो रेड कैंडल की पूरी भरमार है, ग्रीन कैंडल बहुत ही कम है रेड कैंडल के सामने। देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट बहुत ही पिटा हुआ चार्ट है। तो इस वजह से जो है आप उसी तरीके से अपना भी एक बार एनालिसिस करें, उसके बाद ही इन दोनों स्टॉक्स में अपनी जो है बाई सेल या होल्ड की जो है स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं, और अलर्ट जरूर रहें इन दोनों स्टॉक्स में। जैसा मैंने बेस बताया है उस तरीके से, जैसा इनमें जो बेस निकल के आ रहा है उस हिसाब से जो है आपको जरूर इनमें उस तरीके से जो है अलर्ट रहना चाहिए। अदरवाइज ना जाने इसमें आपको कब तक के लिए जो है फंसा रहना पड़ सकता है। तो अगर आपको इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, और अपना एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने की कोशिश करें। थैंक यू।